वो कमेटी सरकार से जाके बात करेगी कि ये समस्या है और उस पर जो भी है उसका समाधान करके उस पर जो समस्या है उसका अंकुश लगाया जा सकता है। खातर भी ने दाम पे पहले 50 किलो था, 45 किलो। हमारी डिमांड है कि भाई और ज्यादा ध्यान दे किसानों पे और गठबंधन हमारे से करे कि हमारे द्वारा सरकार तक किसानों की बात पहुंचे, आवाज पहुंचे। सब जगह ऐसे ही चल रहा है जी, ऐसा ही चल रहा है जी जी जी। टोल पे भी बहुत परेशानी की जा रही है। मांग किसान आयोग का गठन होगा तो उसमें देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, किसानों में खुशहाली आएगी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर किसान मोर्चा अपनी सभी लोगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और क्यों प्रदर्शन कर रहा है भी इन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो क्या ऐसी परेशानियाँ आई कि फिर से आपको सड़कों पर आना पड़ा, फिर से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जरूरत बहुत बड़ी है। ये डिमांड हम लोगों ने जो उठाई है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, जो हम लोगों ने पत्र भेजा है, तो ये बहुत बड़ी डिमांड है किसानों के लिए। और ये मांग पूरे होने पर किसानों की जो मांग, किसान आयोग का गठन होगा तो उसमें देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, किसानों में खुशहाली आएगी। तो ये सबसे पहले बताइए कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं या इतने ही लोग आए हैं? हमारे साथ 13 राज्यों से लोग आए हैं, कुछ लोग जा भी चुके हैं जो काफ़ी दूर से हैं। अभी भी हमारे साथ गुजरात से हैं और उत्तराखंड से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, काफ़ी जगहों से लोग 13 राज्यों से यहाँ पर आए हैं। तो इतने राज्यों से ये लोग आ रहे हैं, यानी किसान वाकई में अब फिर से परेशान हो रहा है? देखिए, परेशानी ये बहुत ही लीगल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लीगल मुद्दा है जो हम लोगों ने उठाया है और ये अभी तक किसी किसान ने जंतर मंतर पर नहीं उठाया। और हम लोगों को लगा कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। और हमारा मानना है कि किसान आयोग के गठन से सरकार और किसानों के बीच का रास्ता निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा? सरकार तो आपके लिए लगातार यहाँ पे दावे वादे कर रही है कि किसानों के लिए हमने इतना कुछ किया है और विकास, इतने सारी योजनाएं आई हैं किसानों के लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो सिर्फ दावे वादों पे फेल होती हुई नजर आ रही है। जो भी है, देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो जिसकी मांग है वो अपनी मांग कहने का अधिकार है। और हर व्यक्ति अपना जो है संविधान के अनुसार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकता है, अपनी मांग को उठा सकता है। जो भी लीगल मांग है जो लोग उठाते हैं तो अपना ठीक है, जो हमको ठीक लगा, हमारे संगठन को ठीक लगा, वो हमने डिमांड उठाई है। बाकी मुद्दे और क्या क्या है? मैंने इसमें मुद्दे देखे थे, महंगाई भी मुद्दा है। जी जी, हमारा सेकेंड मुद्दा है, एक फर्स्ट मुद्दा ये था, सेकेंड मुद्दा हमारा टोल टैक्स का है, जो किसानों से टोल टैक्स कम किया जाना चाहिए, वो दूसरा सेकंड मुद्दा है। उस पर सरकार कमेटी बनाए और उस पर टोल टैक्स कम करें। टोल टैक्स क्या मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है? देखिए, लगातार गाड़ियां निकलती हैं किसानों की, तो कोई दवाई लेने जाता है, कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए छोड़ने जाता है, तो टोल टैक्स पड़ते हैं। इस पर सरकार थोड़ा अपना ध्यान दे, लेकिन हमारा जो अहम मुद्दा है वो किसान आयोग का है। अभी और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा वीरा सिंह। इससे कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं आप भी, इतनी दूर से आप लोग आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? शमशाद। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। देहरादून से आए हैं, तो आप भी वहाँ पे भी आप लोग भी परेशान हैं? जी जी सर। फसलों का रेट, गेहूं वगैरह का रेट क्या है वहाँ? अभी 2000 चल रहा है मैनपुरी में। मैनपुरी में जी। चावल वगैरह का? चावल तो अभी नहीं इतना, धान तो वो 2000, 1800-2000। तो उसका आपको कितना वहाँ से मिल जाता? अब ऐसा है, लागत ज़्यादा हो जाती है और कीमत कम मिलती है, इसलिए कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, 4000 के लगभग होनी चाहिए। तो मतलब आपको रेट टू रेट मिल नहीं पा रहा है? जी जी। ठीक है सर, क्या आपको भी इसी तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? जी। जो कहाँ से बताया था अभी आपने? देहरादून से। देहरादून से। देहरादून में तो काफी अच्छा बताया जा रहा है, वहाँ पे नहीं, किया जा रहा है। सब जगह ऐसे ही चल रहा है जी, ऐसे ही चल रहा है जी जी जी। टोल पे भी बहुत परेशानी की जा रही है, टोल वाली बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी थी, शायद गुजरात से बताई जा रही थी। तो सर, कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं आप, इतनी दूर से आए हैं आप, तो ये मतलब समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी दूर दूर से स्टेट से आ रहे हैं? हाँ, किसानों की समस्या गुजरात में भी है। और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ किसान यूनियन का। हाँ, तो बिजली की समस्या है गुजरात में, बिजली की समस्या ज़्यादा है। हाँ, गुजरात तो बहुत वहाँ पे माना हुआ है मोदी जी का। किसानों के भाव की समस्या भी है। हाँ, वहाँ पे भी जूझना पड़ रहा है किसानों को, जबकि मोदी जी का राज्य माना जाता है। हाँ, तो भी पूरी डिमांड
किसानों तक पहुंचती नहीं है, जो सुविधा है वो किसानों तक पहुंच नहीं रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं मुद्दे पे से थोड़ा सा अलग आऊंगी, अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो क्या माहौल है वहाँ पे गुजरात? माहौल चल रहा है, तीन पार्टियाँ जोर कर रही है, दिल्ली से केजरीवाल भी आ रहे हैं। केजरीवाल तो लगातार वहाँ पे आ रहे हैं, एक तो अभी तीन दिन वही थे। कैसा माहौल है चुनावी वहाँ? दोनों तरफ से, हाँ, बीजेपी का है, कांग्रेस वाले भी मेहनत कर रहे हैं। गढ़ बोला जाता है वो तो? हाँ, बीजेपी का गढ़ है। तो काम करेगा वो जीतेगा या फिर दावेबाजों पे ही जीतने का होगा फिर? हाँ, बीजेपी का ध्यान देगी तो बीजेपी आएगी, और क्या, किस मांगों पर ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी अपने मतलब कार्य अच्छे कर रही है। हाँ, वहाँ तो कार्य अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी मांग है कि थोड़ा और ध्यान दे। किस तरीके का कार्य अच्छे कर रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दे रही है तो किसानों पे और ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि किसानों का वोट ज्यादा है, गुजरात में भी किसान ज्यादा है। हाँ, तो हमारी डिमांड है कि भाई और ज्यादा ध्यान दे किसानों पे, और गठबंधन हमारे से करे कि हमारे द्वारा सरकार तक किसानों की बात पहुंचे, आवाज पहुंचे। हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी लगातार वहाँ प्रदर्शन कर रही है, पहुंच रही है, तो वहाँ पे कितनी संभावना है आम आदमी पार्टी आने की? अब देखिए, माहौल तो कर रही है, वो भी मेहनत कर रही है। हाँ, अब पब्लिक है, पब्लिक पे है, क्या हो रहा है देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैंने चुनावी माहौल का भी पता कर लिया, क्योंकि यहाँ लोग गुजरात से भी आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, और अभी उनसे पूछा तो वो देहरादून से भी आए हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार सर्वाइव कर रहा है पूरा देश, किस तरीके से जूझ रहा है युवा, किस तरीके से जूझ रहा है किसान, किस तरीके से जो बढ़ती जा रही है महंगाई और जिस तरीके से मार पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात पैदा हो चुके हैं हमारे देश में, कि हर आम इंसान को सड़कों पर उतर कर ही आखिर अपने हक अधिकार की बात करनी पड़ती है, अपने अधिकारों के लिए लगातार उनको यहाँ पर सड़कों पर आना पड़ता है। अभी हमारे साथ आप लोग, मैम क्या नाम है आपका? ट्विंकल महिला। ट्विंकल जी, तो आप कहाँ से आई हैं? गुजरात। गुजरात से आई हैं, इतनी दूर से आप लोग आए हैं? जी। तो मतलब क्या मुद्दे रहे हैं कि इतनी दूर से आपको आना पड़ा? मुद्दा यही है कि कोई भी किसान बेरोजगार ना मरे। किसान तो मतलब अभी खा रहा है, कमा रहा है, अपनी फसलों से कमा रहा है। लगातार जो है सरकार बोल रही है कि उनके लिए हमने इतनी योजनाएं निकाली हैं, MSP पे जो कानून आया था उस पर पीछे हटे हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। नहीं, लेकिन किसान काफ़ी किसान ऐसे भी है जो बेरोजगार है, खेती मतलब वो खातर भी उतने दाम पे, पहले 50 किलो था, अब 45 किलो है। आपका क्या नाम है मैम? डॉक्टर इंदी मईड़ा। कहाँ से आए आप? गुजरात। आप भी गुजरात से आई हैं, तो गुजरात से आप लोग आए हैं, गुजरात में तो अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, वहाँ से यहाँ पे आने का मतलब और मकसद कुछ चुनाव से रिलेट तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में एक नई सोच है ये कि किसान आयोग का गठन किया जाए ऐसा, क्योंकि अगर किसान कमेटी बनाई जाएगी तो जो भी किसानों की समस्या है वो कमेटी सरकार से जाके बात करेगी कि ये समस्या है, और उस पर जो भी है उसका समाधान करके उस पर जो समस्या है उसका अंकुश लगाया जा सकता है। तो अभी वहाँ पर अभी गुजरात में माहौल है चुनाव का भी, अभी मैंने एक सर से भी बात की, तो चुनाव में क्या मतलब आकांक्षाएँ लग रही हैं कि कौन आएगा, क्योंकि आप तो जनता जनार्दन हैं? वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर लगातार जो है केजरीवाल जी लगातार पहुंच रहे हैं, आम जन तक पहुंच रहे हैं, ऑटो वाले के घर तक पहुंच रहे हैं, तो कितनी संभावनाएं हैं? थोड़ी बहुत संभावनाएं तो है। और कितनी संभावना है बीजेपी की? बीजेपी की बहुत संभावना है। बहुत संभावना है, गढ़ है उनका क्योंकि, इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर वैसे तो सारी पार्टियाँ ही मेहनत कर रही है। अच्छा, लोगों के कार्यों को देखकर जो है जनता जाती है या फिर दावेबाजों पर चली जाती है? कार्यों को देख के। कार्यों को देख के, तो यहाँ की जनता कार्यों पे देख के जाएगी या फिर दावेबाजों पे चली जाएगी? वो मैं नहीं बोल सकती, वो उन लोगों को बता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने इनसे चुनावी जो माहौल चल रहा है गुजरात में उसकी भी बात करी है, लगातार जिस तरीके से चुनाव का टाइम है और गुजरात में जिस तरीके से चुनावी बहस चल रही है, बिगुल बज चुका है, और लगातार वहाँ पे केजरीवाल जी भी पहुँच रहे हैं, लगातार यहाँ से बीजेपी की भी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, और किस तरीके से जो चुनावी बिगुल है छिड़ चुका है, और उसी पे मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की। मगर यहाँ मेन मुद्दा जो है वो किसानों की मांगों का है, उनके मुद्दों का है, उनकी जो जिस तरीके से उनकी फसलों
का दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उसी के चलते यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इसी तरीके का प्रदर्शन करने की इन्होंने जो है बात भी कही है कि अगर हमारी मांग नहीं मानती है सरकार तो आगे हम जो है इससे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।